थोड़े दिन पहले ना मैंने आप लोगों के साथ एक मैगी की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने कप में मैगी बनाई थी, इसके अंदर पिज़्ज़ा की फिलिंग भरी थी। उसका मुझे नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि इसका ये नाम रख दो, ये नाम रख दो, ये नाम रख दो। तो आपके कमेंट्स पे ना मुझे एक और आइडिया आया, मतलब आइडिया आया, अच्छा लगे तो ले लेना वरना जाने देना। ठीक है, तो क्या करो, एक ब्रिक मैगी की बना लो। जैसे सेम टू सेम मैं वैसा ही कर रही हूँ, एक ब्रिक मैगी की बना ली, सिंपल वाली मैगी, नॉर्मल पानी और मसाला डाल के। फिर इसको कटोरी लेके ना, कटोरी को पहले तेल से ग्रीस किया और उसमें मैगी जमा दी, बीच में जगह छोड़ के चारों तरफ से जमा दी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम मैं वैसा ही कर रही हूँ। फिर उसमें मैंने बीच में ना पिज़्ज़ा की फिलिंग भरी थी, पिज़्ज़ा सॉस और सब्जी वगैरह और चीज़ वगैरह ये भरी थी। आप इसमें ना सिर्फ ना चीज़ की दो क्यूब रख दो, जो प्रोसेस चीज़ क्यूब आती है ना वो रख दो, दो। और फिर इसको ना मैगी से कवर कर दो। और फिर है ना इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, दो मतलब 5-10 मिनट के लिए बाहर रख के फिर इसको 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दो। और है ना लावा मैगी बन जाएगी। मतलब आप चाहो ना, सुनो एक और आइडिया है, आप चाहो तो इसके अंदर ना चॉकलेट भर दो। अगर आपको चॉकलेट और मैगी का कॉम्बो अच्छा लगता है तो इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट भर दो और इसको कट करो तो चॉकलेट बाहर आएगी। मैंने चीज़ भरी है, पर मैंने क्या सोचा था, चीज़ इसमें से बाहर आएगी पर चीज़ ना इतनी मेल्ट नहीं हो पाती ना कि बाहर आए, अंदर से वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। बड़ी टेस्टी बनी थी और चीज़ मैगी बन गई। तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को इसी बात पर। चलो बाय।